दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आउटलुक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिनभर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय से, जहां पर प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में एबीपी न्यूज के पत्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी द्वारा की गई अभद्रता को लेकर आक्रोश जताया। अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह व महामंत्री अनूप उपाध्याय की अगुवाई में पत्रकारों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सुनील शुक्ला को सौंपा, जिसमें पत्रकारों ने केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बर्खास्त करने के लिए है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्रकारों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा, पूरी तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। अगर सरकार बर्खास्तगी नहीं करती है अजय टेनी की तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, पत्रकार पूरी तरीके से आंदोलन करेगा और मुकदमा दर्ज कराएगा अजय टेनी के खिलाफ और बर्खास्तगी की मांग करता है कि जल्द से जल्द बर्खास्त करें। आगे और भी कार्रवाई करेंगे हम, धरना जो भी कुछ करना होगा, क्योंकि पत्रकार एक आईने की बात काम करता है, जो तस्वीर दिखती है वही दिखाने का काम करता है, और उसके बाद कोई अभद्रता करे, कोई लिपापोती करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार की बदतमीजी बेहूदगी की बात करता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी हो किसी भी लेवल का। अगली खबर कुंडा तहसील मुख्यालय से है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा पत्रकारों से की गई बदसुलूकी पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा, जिसमें पत्रकारों ने केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने व पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग की। इसके बाद पत्रकारों ने संघ के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव मथुरा प्रसाद धुरिया का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रांतीय प्रभारी मुन्ना मिश्रा, प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर विजय यादव, मंडल अध्यक्ष अजय पांडे, मंडल उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा, मंडल संयुक्त सचिव आनंद शुक्ला, जिला महामंत्री कुलदीप कुमार, तहसील अध्यक्ष अजय मिश्रा, महामंत्री दिलीप साहू, रत्नेश शुक्ला, लोकेश मिश्रा, अंकुश यादव, रजत केसरी, अनुराग तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर भी कुंडा तहसील मुख्यालय से है, जहां पर दीवार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कमलाकांत मिश्रा, गंगाधर द्विवेदी, शीतला प्रसाद केसरवानी, प्रेमचंद शुक्ला, शिवमूर्ति उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए भगवत प्रसाद मौर्य, अशोक प्रताप सिंह, अपर उपाध्यक्ष पद के लिए धर्मराज सिंह पटेल, अजय प्रताप सिंह, पंकज प्रताप श्रीवास्तव, महामंत्री कृष्ण कुमार यादव, अशोक पांडे, कौशलेश पांडे ने नामांकन किया, जबकि कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 3, कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 6, संयुक्त मंत्री के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 1 नामांकन किया गया। पर्चा वापसी शुक्रवार को होगा। संघ का चुनाव 23 दिसंबर को होगा। नामांकन के दौरान एल्डर कमेटी के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, सुखराम गुप्ता, सत्येंद्र सिंह व ब्रिजेंद्र त्रिपाठी समेत सदस्य मौजूद रहे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी श्याम पांडे ने दी। अगली खबर कुंडा कोतवाली से है, जहां पर जिले में आए दिन टाइनिक संचालकों के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार को एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा ने कुंडा, मानिकपुर, हदगवां व नवाबगंज थाना इलाकों के टाइनिक संचालकों के साथ बैठक की। एएसपी ने टाइनिक संचालकों को अपने अपने सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरा आदि लगवाए जाने के निर्देश दिए, साथ ही बैंक आते जाते समय व सेंटर पर संदिग्ध आदमी दिखने पर पुलिस को सूचना देने की बात कही। इस मौके पर सीओ कुंडा अर्जुन सिंह, कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार, यशो हदगवां चंद्रभान सिंह, यशो नवाबगंज रुकुम पाल समेत टाइनिक संचालकों में लल्लू राम, ब्रिजेंद्र वर्मा, डब्लू तिवारी, वीरेंद्र विश्वकर्मा, विजय कुमार, संदीप मौर्य, संदीप केसरवानी, बबलू मिश्रा, प्रदीप विश्वकर्मा समेत टाइनी संचालक मौजूद रहे। अगली खबर नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज से है, जहां पर आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम किशोर साहू की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो अभनपुर कटरा बाजार होते हुए माँ शीतला देवी धाम पहुंची। इस दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कार्यक्रम में सांसद संगम लाल के भाई दिनेश गुप्ता, गणेश कसेरा, गोपाल जी साहू, सूरज गुप्ता, रोहित सोनी, शुभम साहू, वैभव कसेरा, राजू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।